आज हम बनाएंगे एक आलू से टेस्टी कुरकुरा नाश्ता। बड़ों के साथ बच्चे भी शौक से खाएंगे। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी बनाइए। कम टाइम में आसान तरीके से बन जाता है, सभी को पसंद आएगा टेस्टी कुरकुरा नाश्ता। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है? मैंने लिया है एक आलू, इसको छील लेंगे। आलू को छील लिया है, कद्दूकस करेंगे। आलू को दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको दो तीन पानी से धो लेंगे आलू को। आलू धो लिया है, एक प्याज मैंने छील लिया था। इसको भी कद्दूकस करेंगे प्याज को। कद्दूकस की हुई प्याज ग्रेट किए हुए आलू में मिला लेंगे। 4 स्पून बेसन डालेंगे। टू स्पून आटा डालेंगे। थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा। अब इसको मिक्स कर लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। मैंने अच्छे से मिला लिया है। मैंने हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे बच्चे भी खा सकें। और थोड़ा मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे। ये मेरा थोड़ा गीला लग रहा है, थोड़ा बेसन और मिलाएंगे। 2 स्पून मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा बेसन और डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे बेसन डाल के। अब इस तैयार हो गया है, मिक्स कर लिया है। ये मैंने लिया है थोड़ा तेल रिफाइंड, हाथ में तेल लगाएंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस लेके एक टिक्की बनाएंगे। छोटी छोटी टिक्की बना के कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें बीज में छेद करेंगे जिससे मेरे अच्छे से सिक जाए। सारी टिक्की में आप चाहे तो पहले से उंगली से छेद कर सकते हैं इसमें। मैंने सब में बीच में छेद कर लिया है, इससे अच्छे से मेरी सिकेगी पकौड़ी। अब सिक गई, अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए मेरी कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से सिकी है। अब इसको निकाल लेंगे, इसी तरीके से और भी फ्राई कर लेंगे।
सारी पकौड़ी तल ली है, टेस्टी चटपटी कुरकुरी। और ये मेरी है आंवले की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। अगर आपको मेरे ये आलू का नाश्ता अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, कम टाइम में आसान तरीके से बन जाता है, पूरी फैमिली को पसंद आएगा।